सिनेमैटिक वीडियो, वो भी 10,000 वाले फोन पे। बट वेट, ये पॉसिबल है। बट अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मेरे फोन में वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो धिक्कार है आप पे, क्योंकि आप अच्छे से उसे यूज करना ही नहीं जानते हो। तो अगर आपके पास भी एक 10,000 रेंज वाला फ़ोन है जिससे कि मैं अपना वीडियो भी शूट कर रहा हूँ, एंड इसमें आप सिनेमैटिक वीडियो का मज़ा नहीं उठा पाते, या फिर उसे बोलते हैं ब्लर वीडियो, उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। अब अभी कुछ ज्ञानी लोग बोलेंगे, चूतिया बना रहा है। बट अगर आप भी उसके जैसे भावनाओं में बह रहे हो, तो आप पहले से ही हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ मज़ेदार ही मिलने वाला है आपको। तो पॉइंट वन, आपको सिनेमैटिक वीडियो कैसे करना है रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैं 3 पॉइंट्स में बताऊँगा, तीनों को केयरफुली देखना। पॉइंट जितना आगे बढ़ता जाएगा, वीडियो का इंफॉर्मेशन उतना ही ज़्यादा डीप होता जाएगा, उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। तो स्टे हियर। अभी आपको अपने चीपेस्ट फ़ोन में, किसी भी फ़ोन में, कोई भी फ़ोन आपके पास, उसको पिक कर लेना अपने हैंड पे। और हाँ, यहाँ पर आपको थोड़ा मोड़ा वीडियो क्रिएटिविटी आना चाहिए, लाइक कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, कैसे फ्रेमिंग करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो मैं कहाँ था, हाँ, वीडियो को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। अब आपको अपना फ़ोन उठा लेना है और एक ह्यूमन सब्जेक्ट का पोर्ट्रेट वीडियो शूट करना है। पोर्ट्रेट मतलब आपको क्लोजअप लेना है, ठीक है, वीडियो, और थोड़ा सा जूम कर लेना, सिनेमैटिक लगेगा। तो इतना आपको करना है और एक अच्छा सा वीडियो शूट कर लेना है ह्यूमन सब्जेक्ट का। इतना कर लिया, अब आता है पॉइंट टू पे। आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है बीटा। रुको रुको, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी एक पॉइंट बाकी है। तो आप बीटा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। तो वीडियो को देखो। अब आपको इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, जो कि आप कहीं से भी कर सकते हो। अब इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। देन अभी आपने जिस वाले वीडियो को रिकॉर्ड किया था, जो मैंने पहले आपको बताया था, सिनेमैटिक टाइप का वीडियो रिकॉर्ड करना है, पोर्ट्रेट वीडियो, उसको आपको इंसर्ट कर लेना है। एंड एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम एडिटिंग के जरिए ही करने वाले हैं सिनेमैटिक वीडियो, बट रियल टाइप का लगेगा, कोई भी डिफरेंस आप नहीं ढूंढ पाओगे। अब आप सारा कुछ कर लिए, वीडियो को रिकॉर्ड कर लिए, एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिए, अब आपको क्या करना है, एडिटिंग करना है। बट आपको आता नहीं है, तो वीडियो को छोड़ के मत जाना। अभी आपको क्या करना है, इफ़ेक्ट्स दिख रहा है, वहाँ पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको दिख जाएगा, थोड़ा सा फाइंड करना पड़ेगा, तो वहाँ पर दिख जाएगा आपको सिनेमैटिक फिल्टर या फिर इफेक्ट बोल सकते हो। अब कुछ नहीं करना है, बस एक क्लिक करो, आपका ब्लर वीडियो रेडी है, विदाउट एनी प्रोसेसिंग और कोई भी रेंडरिंग का झंझट भी नहीं। मतलब एक क्लिक में आपका वीडियो ब्लर हो जाएगा। अब यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं है, इसका आप इंटेंसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। इसमें आपको सिनेमैटिक फिल्टर मिल जाता है, बट काम चलाने भर का। तो आपको यहाँ पर एडिटिंग करना पड़ेगा, कलर ग्रेडिंग करना पड़ेगा वीडियो में। वो चाहिए वीडियो तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। अभी आपको क्या करना है, आपको ब्लर अपना इंटेंसिटी कर लेना है, एरेंज जितना भी चाहिए उतना कर लो। एंड यहाँ पर आप देखते हो एडजस्ट कितना अच्छे से इसने कर लिया है सिलेक्टेड। और आईफोन जैसा तो नहीं, बट उसके रिलेटेड वीडियोज आप बना सकते हो किसी भी फ़ोन में। पर याद रखना, हर वैल्यूएबल चीज़ का कीमत होता है, एंड इसका भी है ऑफकोर्स। तो क्या करना है, क्रोम को फॉलो करो। अबे मेरा इनकॉग्निटो किसने ऑन कर दिया।